एक सूत्र, जीवन में यदि आनंद प्राप्त करना हो हमेशा आंखों के सामने रखना कि मानो तो मौज है वरना टेंशन तो रोज है। सुबह उठते आंख खोलते हैं, 10 टेंशन हमारे सामने, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसका कल ये बाकी रह गया, इसका कल ये रह गया, इसका ये पेंडिंग काम रह गया, इसका आज ये पूरा करना है। सुबह जब हमारी आंखें खुलती है हमारी आंखों के सामने 15-20-25-30 विचार आ जाते हैं, हमारी आंखों के सामने 10-15 टेंशन खड़े हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से समझ लेना ये सूत्र को, हमेशा आंखों के सामने रखना, मानो तो मौज है वरना टेंशन तो रोज। ये जीवन ही टेंशन बना दिया हम, सुबह से शाम तक चिंता में रहते हैं, सुबह से शाम तक तनाव में रहते हैं, सुबह से शाम तक स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह से शाम तक टेंशन में रहते हैं। अंततः मिलता क्या है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर होता है, हमारे दिमाग के ऊपर असर होता है, हमारी शारीरिक प्रक्रिया बिगड़ जाती है, हमारे संबंध खराब होते हैं। दिन भर का टेंशन लेके जब आदमी शाम को घर आता है तो घर का वातावरण भी बिगड़ जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने सूत्र दिया के समझ लो, मानो तो मौज है। मानना पड़ेगा कि जीवन आनंद है, और इसलिए हमारे यहां बता गया कि समझ लो, जीवन में आदमी टेंशन में क्यों आता है, स्ट्रेस में क्यों आता है, चिंता में क्यों आता है, परेशानी में क्यों आता है, क्योंकि आदमी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है। आदमी यह सोचता है कि हम परिस्थिति को चेंज कर ले, परिस्थिति को बदल ले। लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा कि समझ लेना, परिस्थिति बदलना आपके हाथ में नहीं है, आप परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते, कोई हिसाब से आपके हाथ में ताकत नहीं है कि आप परिस्थिति बदल पाओ, आप परिस्थिति को चेंज कर पाओ। लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा कि समझ लेना, परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम मनोस्थिति को बदल सकते हैं, हमारी मनोस्थिति को हम निश्चित तौर पर बदल सकते। परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मनोस्थिति हम बदल सकते हैं। पिछले 2 साल कोरोना आए, हमारे हाथ में क्या था, कुछ नहीं था, सरकारी आदेश था घर में रहो, बाहर निकलो नहीं, कहीं जाना नहीं, व्यापार नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, कोई किसी के साथ बाहर निकलना नहीं, मिलना नहीं, हाथ मिलाना नहीं, एक दूसरे के संपर्क में आना नहीं, एक दूसरे को टच करना नहीं, दूरी बनाए रखनी, ये सब आदेश जब सरकार की ओर से बाहर निकल गए तो हमारे हाथ में परिस्थिति बदलने का कोई इलाज नहीं था। हजारों साधु साध्वी जी भगवान भी जहां थे वहां ठहर गए, क्या करते थे, चतुर्मास कहीं और तय हो गया था, कहीं और करना पड़ गया। परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते, और जो जो परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं वो ऑलवेज दुखी होते हैं। तब हमने क्या किया, हमारी मनोस्थिति को बदल लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, सरकार के जो आदेश है, आज की जो परिस्थिति है उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और जिस जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने घर में 1 महीना 2 महीना 3 महीना शांति से बिता दिया, और जो परेशानी में रहे, जो टेंशन में रहे, जो चिंता में रहे, जो व्यग्रता में रहे, जो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन में रहे, उन्होंने 2-3 महीने भी शांति से नहीं निकाले। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझना, जीवन में परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करो, मनोस्थिति को बदलने की कोशिश करो, तभी हमारे जीवन से टेंशन कम होगा। जितना हम परिस्थिति को बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जितना हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे, उतना हम और चिंता में जुकते जाएंगे, और चिंता हमारे जीवन में प्रवेश करती जाएगी। और यदि मनोस्थिति के ऊपर फोकस करेंगे तो हम बड़ा शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा समझ लेना, किसी की मृत्यु हो जाती है, हम 2 दिन रो लेते हैं, 4 दिन रो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो आदमी हमारे बीच से चला गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। हमने क्या किया, हम परिस्थिति नहीं बदल पाए, हमने हमारी मनोस्थिति बदल दी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने बड़ी गजब की बात लिखी है, समझ लेना, मानो तो मौज है वरना टेंशन तो।
रोज टेंशन है जीवन में, हजारों टेंशन हमारे सामने है, लेकिन जीवन में यदि मन हमारा हमारे हाथ में हो, मन यदि हमारे कंट्रोल में हो, मन को यदि हम व्यवस्थित रूप से संभाल पाए तो जीवन की हर एक क्षण को हम आनंदमय बना सकते हैं, हर एक मिनट को हम आनंद से झूल सकते हैं। और इसलिए तीन बातें मैं बता रहा हूं, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे, टेंशन फ्री लाइफ कैसे हो, क्या करें कि जीवन में से टेंशन थोड़ा कम हो। आज 12 साल के बच्चे को मिलो तो उसको भी टेंशन है, और 80 साल के बुजुर्ग को मिलो तो वो भी टेंशन है। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी जीवन का शुभारंभ कर रहे हैं, वहां पर भी टेंशन 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 और पूरा दिन टेंशन में। आज के आदमी ने हंसना छोड़ दिया है। आज जब हम रास्ते पे निकलते हैं, जब हम विहार करते हैं और यदि ऑब्जर्व करते हैं तो 100 में से 90 लोगों के चेहरे मुरझाए हुए मिलते हैं, हंसते हुए नहीं। जब हम रास्ते में विहार करते हैं, 100 लोगों को यदि हमने ऑब्जर्व किया, चाहे छोटा बड़ा, बुजुर्ग बूढ़ा, प्राउड युवा, चाहे कोई भी हो, 100 लोगों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब हमें 100 में से 90 के चेहरे मुरझाए हुए मिलते हैं, हंसते हुए नहीं मिलते। यहां पे भी आप देखे बैठो ना, इतने जितने बैठे हो, जितने यहां बैठे हैं, 90% के चेहरे इतने टेंशन में, इतने व्यग्रता में, इतने चिंता में, इतने मुरझाए हुए कि लगता है कि जैसे जबरदस्ती यहां ला के बिठा दिया। जीवन में सूत्र हमेशा याद रखो, मानो तो मौज है वरना टेंशन तो रोज है। रोज टेंशन जीवन में है, लेकिन टेंशन फ्री लाइफ कैसे हो, टेंशन का सॉल्यूशन क्या हो, क्या करें कि हम टेंशन से बाहर निकल पाए, टेंशन से उभर पाए। टेंशन और कुछ नहीं है, हमारे मन के विचारों का परिणाम, जो चीज हम ज्यादा पकड़ के रखते हैं। कोई ग्लास हमारे हाथ में है, हमने ज्यादा पकड़ के रखा तो हाथ दुखना है, हाथ में दर्द होना है। विचारों को जितना पकड़ के रखोगे उतना आपका मन उद्विग्न होगा, आपका मन चिंतित होगा, आपका मन परेशान होगा, आपका मन दुखी होगा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लो, जितना पकड़ के रखोगे उतना दुखी होगे। और इसीलिए हमारे यहां सूत्र दिया गया, पकड़ो मत, जाने दो। जीवन में जो जो पकड़ के बैठा है वो दुखी है। जीवन में जिसने पकड़ने की चेष्टा करी है, कुछ चेष्टा जिस जिसने पकड़ने की करी है, जीवन में निश्चित तौर पर वो दुखी है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, मानो तो मौज है। जीवन में आनंद कब है, जब हम भीतर से मान ले कि हमारा जीवन आनंदित है। आज संसार में 90% लोगों को पूछो तो जिंदगी से शिकायत है, मेरे पास ये नहीं 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 है। 90% लोग संसार में, आप इंटरव्यू लो तो आपको पता चलेगा, 90% लोगों को जिंदगी से शिकायत है। 10% लोग मात्र ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में मौज ही मौज है। बाकी 90% लोग आपको जिंदगी से शिकायत करते हुए दिखेंगे, आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि जिंदगी में कुछ मजा नहीं है, जीवन में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो लगता है कि मर जाए तो अच्छा। ऐसे भाव संसार में कई लोगों के बन रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये और कुछ नहीं है, हमारे मन का विचार। जितना पकड़ के रखेंगे उतना दुखी होंगे। और इसलिए 3 सॉल्यूशन फॉर टेंशन फ्री लाइफ। जीवन में चिंता से बाहर निकले, उद्विग्नता से बाहर निकले, परेशानी से बाहर निकले, हमारे मन में से हम एक अच्छे भावों को प्रकट कर पाए, हमारे मन में से अच्छे भावों को ले पाए, यह बड़ी महत्व की बात है, यह बड़ी महत्वपूर्ण। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1 पहला सॉल्यूशन है टेंशन फ्री लाइफ के लिए, नंबर 1, लेट गो फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट को छोड़ते जाओ, लेट गो फ्रॉम योर पास्ट। जितना भूतकाल को पकड़ के रखोगे उतना दुखी हो, जितना वर्तमान में जीवोगे उतना आनंदित रहोगे, और जितना भूतकाल में आप जीवन जीने की चेष्टा करोगे, जितना भूतकाल को पकड़ के रखोगे उतना आप निश्चित तौर पर दुखी होगे। और इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, 3 सिंपल सॉल्यूशन फॉर योर टेंशन फ्री लाइफ। नंबर 1, लेट गो फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट से बाहर निकलो,
हम पास्ट में परेशान रहते हैं, पास्ट में दुखी रहते हैं, पास्ट हमें परेशान करता है, भूतकाल में हम चिंतित रहते हैं। ज्यादातर समय हमारा यह सोचने में जाता है कि पहले मेरे साथ ये हुआ था, पहले किसी ने मुझे ये कहा था, पहले किसी ने मुझे ये सुनाया था, पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था, पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, यदि टेंशन फ्री लाइफ चाहिए तो निश्चित तौर पर पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट को जितना पकड़ेंगे उतनी परेशानी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जीवन में मैंने यहां नुकसान किया था, जीवन में मैंने यहां धोखा खाया था। पास्ट से सीख जरूर सकते हैं लेकिन पास्ट को पकड़ नहीं सकते। जितना पास्ट को पकड़ेंगे उतनी परेशानियां हमारे जीवन में बढ़ती जाएंगी। और इसीलिए ये 3 सिंपल सॉल्यूशन है हमारी टेंशन फ्री लाइफ के लिए। नंबर 1, लेट गो फ्रॉम यूर पास्ट। दूसरी बात करते समझ ले, बड़ी गजब की बात हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने लिखी है। दूसरी बात लिखी, मूव ऑन टू द फ्यूचर। भविष्य की जरूर सोचो, भूतकाल की सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मूव ऑन करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहां बड़ी सुंदर बात लिखी है कि समझ लेना, हमारे यहां कहा कि जब जब भी जीवन में दुख आवे, जब जब भी जीवन में परेशानी आवे, जब जब भी जीवन में प्रॉब्लम आवे तो चिंता नहीं पर चिंतन लिखा गया। क्या कहा? चिंता नहीं पर चिंतन। चिंता में व्यग्रता बढ़ती है और चिंतन में रास्ता निकलता है। जब जब भी आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सामने, अब परेशानी हद से बाहर निकल गई है, सिर से ऊपर पानी चढ़ गया है, जब जब भी आपको लगे, तब शास्त्रकार भगवत ने कहा समझ लेना, चिंता नहीं चिंतन। चिंता करेगा तो जितने रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और चिंतन करेगा तो जो रास्ता नहीं है वो भी खुल जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में मूव ऑन टू द फ्यूचर। भविष्य की सोचो, हमारा भविष्य क्या हो सकता है, हम भविष्य में कहां पहुंच सकते हैं, हमें भविष्य में क्या करना है, ज्यादा नहीं पर भविष्य के लिए हमारे पास प्लान जरूर होना। आप तो भविष्य की सोचते हो तो इतनी सोचते हो कि 7 पीढ़ी तक का सोच लेते हो, हमारे जीवन का हमें पता नहीं, आने वाली कल के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं। और आप सोचते हो तो एक ही क्षेत्र में सोचते हो, संपत्ति के क्षेत्र में और कौन से क्षेत्र में सोचते हो, परिवार व्यवहार धर्म अध्यात्म संस्कार संस्कृति ये कोई क्षेत्र में आप नहीं सोचते हो। यदि आप फ्यूचर सोचते भी हो तो एक ही क्षेत्र में सोचते हो, संपत्ति के क्षेत्र में, कि मैं जीवन भर मुझे पैसों की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये बहुत लोग सोचते हैं लेकिन जीवन भर मेरे जीवन में धर्म बना रहना चाहिए ये कोई नहीं सोचता। संपत्ति के लिए तो आपके पास फ्यूचर प्लानिंग है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो कि शायद 7 पीढ़ी तक धन बचा रहे, धन खत्म न हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बैठ कर खाए, इतनी कोशिश आप कर रहे हो। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि फ्यूचर प्लानिंग मात्र संपत्ति का नहीं होता, धर्म का भी होता, परिवार का भी होता, व्यवहार का भी होता, समाज का भी होता है, संघ का भी होता है। हमने और कौन से क्षेत्र में सोचा? मूव ऑन टू द फ्यूचर। और एक चीज समझना, फ्यूचर में मूव ऑन तभी कर पाएंगे जब पास्ट से निकलेंगे। ज्यादातर लोग पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं, जीवन के अंतिम सांस तक यही सोचते रहते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और यही विचार उनको मूव ऑन नहीं करने देता। मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ लेना, जितना पकड़ के रखोगे उतना दुखी होगे, ये सिद्धांत अपना लेना। और इसीलिए कह रहा हूं, लेट गो फ्रॉम यूर पास्ट, मूव ऑन टू द फ्यूचर एंड पॉजिटिविटी इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना तो कैसे जीना, पॉजिटिविटी के साथ जीना। एक सकारात्मक अभिगम हमारा जीवन के प्रति होना चाहिए। यदि पॉजिटिविटी आपके भीतर नहीं है, आप वर्तमान में जीवन नहीं जी पाओगे, आप जीवन की मौज नहीं ले पाओगे, आप टेंशन में ही रहोगे। यदि नेगेटिविटी आपके भीतर भरी हुई है तो
संसार में हर चीज की दो संभावना है, एक सफलता एक निष्फलता। लेकिन यदि हमारी दृष्टि हमारे विचार हमारे भाव निष्फलता की ओर है तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। और इसीलिए कहा कि समझ लेना पॉजिटिविटी इन प्रेजेंट, वर्तमान में पॉजिटिव रहे सकारात्मक रहे। और आपने देखा होगा जीवन में कई लोग सकारात्मक बनके असंभव काम को पूरा कर लिए, और हम हमारे सामने कई बार ऐसा भी घटित हुआ होगा जो हमें लगता है कि संभव है लेकिन हमारी नकारात्मकता की वजह से हम शायद वो नहीं कर पाए। और सकारात्मक रहने के लिए एक चीज समझ लेना, अच्छा देखना अच्छा सुनना अच्छा पढ़ना ये बड़ा जरूरी। जीवन में आप चाहते हो कि आप सकारात्मक बने रहे, प्रेजेंट में आप पॉजिटिव बने रहे, पॉजिटिविटी आपके जीवन में बनी रहे, तो जीवन में निश्चित तौर पर जरूरी है अच्छा देखना अच्छा सुनना और अच्छा पढ़ना। ये सीधा सिद्धांत है, कचरा अंदर जाएगा तो बाहर भी कचरा ही आएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गंदा देखोगे तो विचार गंदे ही होंगे, भाव गंदे ही होंगे, टेंशन होगा व्यग्रता होगी पीड़ा होगी। गार्बेज अंदर डालेंगे कचरा अंदर डालेंगे तो बाहर कचरा ही निकलना है। संसार की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, ये दिमाग है, ये उपजाऊ भूमि जैसा है, यहां जो डालोगे वही बाहर निकलेगा, अनेक गुना होके बाहर निकलेगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, यदि जीवन में सकारात्मक रहना है वर्तमान में जीवन जीना है तो निश्चित तौर पर यह तय कर लो अच्छा सुनना अच्छा देखना अच्छा पढ़ना। तीन चीजें अच्छी भीतर जाएगी तो बाहर अच्छा ही आएगी, विचार अच्छे ही होंगे, भाषा अच्छी ही होगी, बर्ताव अच्छा ही होगा, व्यवहार अच्छा ही होगा। और लेकिन गलत अंदर जाएगा, गलत देखना गलत सुनना गलत पढ़ना, ये तीन चीजें आपके भीतर जाएगी तो संसार का कोई सॉल्यूशन आपको टेंशन चिंता व्यग्रता और आपको पतन से बचा नहीं सकता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं समझ लेना पॉजिटिविटी इन प्रेजेंट, जीवन में सकारात्मक रहे और ये तीन सॉल्यूशन हमें टेंशन फ्री बना सकते हैं। पास्ट को भूलते चलो, लेट गो फ्रॉम यूर पास्ट, मूव ऑन टू द फ्यूचर, फ्यूचर की सोचते चलो, वर्तमान में जीवन जीवो तो सकारात्मकता के साथ जीवो, पॉजिटिविटी इन प्रेजेंट। यदि ये तीन चीजें हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम चिंता व्यग्रता दुख से बाहर निकल सकते हैं। बाकी संसार में आज हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यक्ति टेंशन में है, हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में है। आज संसार में आपको पता ना हो तो बता दो, चाहे यूरोप में चाहे अमेरिका में चाहे संसार में अनेक देश ऐसे है जहां सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन है, आदमी डिप्रेस हो रहा है। कितने यंगस्टर शहरों में जाओ आप पता चलेगा, मेट्रो सिटीज में, चाहे मुंबई चाहे अहमदाबाद चाहे कलकत्ता चाहे बेंगलुरु चाहे चेन्नई, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ आपको पता चलेगा, चाहे दिल्ली आपको पता चलेगा कि कितने यंगस्टर्स डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, परेशान है, त्रस्त है, स्ट्रेस है, लाइफ में कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, फ्यूचर से इतने परेशान है, इतने टेंशन में है, पास्ट सोच सोच के दुखी हो रहे, वर्तमान में पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए फिर अंततः कोई रास्ता नहीं मिलता तो जीवन खत्म करने की सोच लेते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, मानो तो मौज है वरना टेंशन तो रोज है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।